आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो अपन ने पहले की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि डिफॉर्मिटी क्या होती है और डिफॉर्मिटी के अपन किस तरह से डिफॉर्मिटी को पढ़ सकते हैं। तो डिफॉर्मिटी दो तरह की हो सकती है, यहाँ पे कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। तो ये इन दोनों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके थे कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है। इसके अंदर आता है डिफॉर्मिटीज अराइजिंग एट अ जॉइंट, उसके बाद है यहाँ पे डिफॉर्मिटी अराइजिंग इन अ बोन। तो इनके अंदर भी काफ़ी सारे थे, डिसलोकेशन, सबलक्शन, मसल इम्बेलेंस, आर्थराइटिस, पोस्चर, फ्रैक्चर, बोन डिजीज एंड अबनॉर्मल बोन ग्रोथ, ये सब अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इसके मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट का मतलब है कि अपन जो डिफॉर्मिटीज़ है इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका मैनेजमेंट डिफॉर्मिटीज़ का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट कि अपन जो अगर बॉडी में बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है नॉन ऑपरेटिव मेथड के साथ और एक होता है ऑपरेटिव मेथड के साथ। नॉन ऑपरेटिव मेथड के अंदर अपन किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करते, बिना ऑपरेशन किए डिफॉर्मिटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिव मेथड आर अटेम्प्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है ना, जब भी मान लो डिफॉर्मिटी हो गई है तो अपन को सीधा ऑपरेटिव मेथड नहीं करना है, उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी है। अपन को जितना हो सके उतना सर्जरी को अवॉइड करना है, ऑपरेशन को अवॉइड करना है और उसके ऊपर नॉन ऑपरेटिव मेथड को यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन पेशेंट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिव मेथड्स का यूज़ करेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए। दिस आर सुटेबल फॉर डिफॉर्मिटीज ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्ट्रेक्चर। तो यहाँ पर लिखा है अगर सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्ट्रेक्चर के कारण किसी भी तरह की डिफॉर्मिटीज होती है तो उसको अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड के साथ ठीक कर सकते हैं। द मेथड असेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द कॉन्ट्रेक्टेड सॉफ्ट टिश्यूज एंड देन मेंटेन द करेक्शन बाय स्प्लिंट। तो अपन इस नॉन ऑपरेटिव मेथड के अंदर क्या करते हैं ना, जो जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो उनको अपन स्ट्रेचिंग करेंगे, उसकी उसकी स्ट्रेच करने के बाद उसको एक मेंटेन करेंगे, उसको करेक्ट पोजीशन के अंदर किसके साथ, वो भी स्प्लिंट के साथ। मतलब सबसे पहले तो अपने सॉफ्ट टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको स्ट्रेच किया, उसके बाद अपन उसको मेंटेन कर दिया स्प्लिंट्स के साथ ताकि वो वापस उसी पोजिशन में ना चले जाए। तो जो अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड के अंदर जो स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है यहाँ पर। वो क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड डेट द ट्रीटमेंट इज इलॉन्ग ड्रॉट एंड एन इक्वली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट एट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर अपन स्प्लिंट लगा रहते हैं तो स्प्लिंट अपन को बहुत लंबे टाइम तक लगानी पड़ती है। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है ये भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है और प्रोलोंग्ड अपन को इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है उस लिम को या फिर उस पार्ट को जहाँ पर अपन को डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी बाय नॉन ऑपरेटिव मेथड इज डन बाय द फॉलोइंग वेव्स। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको करेक्ट करने के यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जो कि अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड्स जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले आता है मैनिपुलेटिव करेक्शन। तो ये नॉन ऑपरेटिव मेथड इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे, द कॉन्ट्रेक्चर इज जेंटली मैनिपुलेट सो एज टू स्ट्रेच इट। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के साथ अपन जो कॉन्ट्रेक्चर है उसके अंदर कुछ ऐसे हेर फेर करेंगे और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। वंस करेक्टेड इट इज मेंटेन इन द करेक्टेड पोजिशन इन अ प्लास्टर कास्ट और स्प्लिन। तो अपन ने पहले भी देखा था कि अपन उसको पहले करेक्ट करेंगे, जो भी सॉफ्ट टिश्यूज है जिसका कॉन्ट्रेक्चर बन गया था यहाँ पे, जो भी कॉन्ट्रेक्चर्स है उसको अपन स्ट्रेच करेंगे। फिर उसके बाद अगर एक बार वो करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद अपन उसको मेंटेन करेंगे किसके साथ, करेक्टेड पोजीशन में अपन उसको रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर कास्ट या स्प्लिंट लगा देंगे ताकि अपन ने उसको जिस स्ट्रेच पोजीशन में रखा है वो इसी पोजीशन में रहे, मतलब वो करेक्ट पोजीशन में ही रहे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, यूज फॉर दिस मेथड इज ट्रीटमेंट ऑफ क्लब फुट बाय मैनिपुलेशन एंड POP। तो क्लब फुट क्या होता है, क्लब फुट के अंदर जो बेबीज होते हैं ना उसके फुट अपन को इस तरह से देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो थंब होता है और यहाँ पे फिर फिंगर्स अपन को देखने को मिलती है फुट के अंदर। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल फुट तो इस तरह से होता है, मतलब ऐसे रखा रहता है, लेकिन क्लब फुट के अंदर वो इस तरह से अपन को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी अपन POP वगैरह लगा के, स्प्लिंट वगैरह लगा के इसको इस
पोजिशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है वेजिंग कास्ट। तो वेजिंग कास्ट में क्या लिखा है, इन दिस टेक्निक अ कास्ट इज अप्लाइड ऑन द लिम्ब विथ डिफॉर्म्ड जॉइंट। जो कि डिफॉर्म्ड जॉइंट होता है लिम्ब का, उसको अपन ठीक करने के लिए वेजिंग कास्ट का यूज़ करते हैं। ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या करते हैं ना, अ वेज ऑफ प्लास्टर इज कट आउट ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ डिफॉर्मिटी, द वेज क्लोज्ड बाय फोर्सिंग द पार्ट दस अचीविंग करेक्शन। तो यहाँ पर जो प्लास्टर कास्ट अपन जो लगाते हैं ना, उसको कट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसको कट करते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड ऑफ द डिफॉर्मिटी से। तो यहाँ पर अपन ये वेजिंग कास्ट क्यों कर रहे हैं, अगर मान लो अपन ने एक बार प्लास्टर कास्ट लगा दिया, उसके बाद अपन ने उसका एक्सरे करवा के देखा, फिर भी अपन को वहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर अपन को थोड़ा सा एंगुलेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपन वेजिंग कास्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि अपन दोबारा उसको काटेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे सीधा वेजिंग कास्ट अप्लाई कर देते हैं, जिस कारण से जो करेक्ट जो कि छोटा सा एंगुलेशन आ रहा था वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रैक्शन। गेजुअल ट्रैक्शन कैन स्ट्रेच आउट कॉन्ट्रैक्टेड सॉफ्ट टिश्यूज। तो अपन ट्रैक्शन देने से क्या होता है ना, जो सॉफ्ट टिश्यूज के जो कॉन्ट्रैक्टेड हो गए थे उसको स्ट्रेच करने में हेल्प मिलती है ट्रैक्शन के साथ। अ कनेक्शन इज सब्सिक्वेंटली मेंटेन इन अ स्प्लिंट और कैलिपर्स। तो अपन ने इसको ट्रैक्शन देके अपन इसका कॉन्ट्रैक्टेड तो कॉन्ट्रैक्टेड जो सॉफ्ट टिश्यूज तो उसको स्ट्रेच तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद अपन इसको मेंटेन करके रखेंगे करेक्ट पोजीशन में, वो करके रखेंगे स्प्लिंट और कैलिपर्स के साथ इनकी हेल्प से। तो यहाँ पर आता है स्प्लिंट। तो स्प्लिंट में क्या लिखा हुआ है ना, दिस आर स्पेशली स्प्लिंट विच परमिट ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज लीडिंग टू करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए अपन स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं। अपन ने कितनी बार बात की, अपन जो सॉफ्ट टिश्यूज थे उसको स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद अपन उसके ऊपर स्प्लिंट लगा देंगे। तो VIC अगर होता है तो उसके लिए अपन टर्न बकलर स्प्लिंट का यूज़ करते हैं VIC के अंदर, अगर VIC हो जाता है। तो यहाँ पर स्प्लिंट का ये काम है कि वो जो करेक्टेड पोजिशन है उसके अंदर वो मेंटेन करके रखे डिफॉर्मिटी को। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑपरेटिव मेथड्स। अपन ने देख लिया कि नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर अपन क्या क्या करेंगे, तो अपन वहाँ पे मैनिपुलेटिव करेक्शन का यूज़ करेंगे, वेजिंग कास्ट का यूज़ करेंगे, ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, और स्प्लिंट्स के साथ अपन इन सब के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे नॉन ऑपरेटिव के साथ। अगर मान लो नॉन ऑपरेटिव अगर ठीक से नहीं होता है मेथड, तो उसके बाद अपन ऑपरेटिव मेथड के ऊपर जाएंगे। इन केसेस वेयर द नॉन ऑपरेटिव मेथड्स फेल और द डिफॉर्मिटी इज प्राइमरी बोनी ऑपरेटिव करेक्शन में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, अगर नॉन ऑपरेटिव मेथड से अगर डिफॉर्मिटी सही नहीं होती है तो उसके बाद अपन को ऑपरेटिव करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अपन कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, वो है फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके अंदर से सबसे पहले आता है सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। तो जो सॉफ्ट टिश्यूज है उस जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे थे उसको रिलीज किया जाएगा एंड लेदरिंग द सॉफ्ट टिश्यूज इज रिमूव्ड। जो कि सॉफ्ट टिश्यूज की जो लेदरिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी करके अपन डिफॉर्मिटी को सही कर सकते हैं। द डिफॉर्म्ड बोन इज कट एंड सुटेबली रिलाइज्ड इन द करेक्टेड पोजिशन। तो अपन उसको जो ऑस्टियोटॉमी है, ऑस्टियोटॉमी के अंदर अपन जो डिफॉर्म्ड जो बोन है उसको कट करेंगे, सुटेबली लेस करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, उसको करेक्ट पोजीशन के अंदर लेके आएंगे। जैसे कि जेनुवेलम अपन को देखने को मिलता है नीज के अंदर, ये एक तरह की डिफॉर्मिटी से है नी की। उसके बाद आता है आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस को अपन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ जॉइंट का है। द मेथड इज अडोप्टेड वेयर अ जॉइंट इज नॉट ओनली डिफॉर्म्ड बट आल्सो इट आर्टिकुलेटिंग सरफेस डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। तो यहाँ पर क्या है ना, आर्थोडेसिस का यूज़ करके अपन इसकी डिफॉर्मिटी को सही करते हैं बॉडी के अंदर। मेथड इज अडोप्टेड वेयर द जॉइंट इज नॉट ओनली डिफॉर्म्ड। अपन इसको वहाँ पर ही यूज़ नहीं करते जहाँ पे जो जॉइंट है वो डिफॉर्म्ड हुआ है, अगर वहाँ पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस अगर वो भी डैमेज हुई है तो अपन इसको उस जगह पे यूज़ करेंगे। आर्थोडेसिस इज सुटेबली फॉर जॉइंट वेयर लॉस ऑफ मोशन एट द जॉइंट डस नॉट प्रोड्यूस मच फंक्शनल डिसएबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर रिस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आर्थोडेसिस जो कि टेक्निक अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, आर्थोडेसिस डिफॉर्मिटी के लिए इज सुटेबल फॉर जॉइंट, ये उन जॉइंट के लिए सुटेबल है जो कि जिनका लॉस ऑफ मोशन जो होता है ना
वो डज नॉट प्रोड्यूस मच फंक्शनल डिसेबिलिटी, मतलब जो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब उसका जो मोशन है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब इतना नहीं हुआ है कि वहाँ पे अपन को फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को मिले, जिसका एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट के अंदर। उसके बाद आता है आर्थोप्लास्टी। तो आर्थोप्लास्टी क्या होती है? द टर्म आर्थोप्लास्टी मीन रिकंस्ट्रक्टिंग अ जॉइंट। तो इसका मतलब है जो जॉइंट होता है ना उसको दोबारा बनाना, उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना। तो इस तरह से अपन इसकी डिफॉर्मिटी को ठीक करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन बाय टू मेथड। तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं यहाँ पर। बाय इंसिजन अ पार्ट ऑफ डिफॉर्म्ड जॉइंट, मतलब जो डिफॉर्म्ड जॉइंट है उसका इंसिजन करना। देयर बाय रिलीजिंग द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसको रिलीजिंग करना। एंड करेक्टिंग डिफॉर्मिटी, उसके बाद जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करना। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पर, सेकेंड मेथड वो है बाय रिप्लेसिंग द जॉइंट विथ आर्टिफिशियल कंपोनेंट। जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना उसके साथ जो जॉइंट है उसको रिप्लेस करना, मतलब नए आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देना। द फॉर्मर इज कॉल्ड इंसिजन आर्थोप्लास्टी। तो यहाँ पर इसको इंसिजन आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। एंड दिस डन फॉर जॉइंट डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन, उन जॉइंट के लिए उसकी जॉइंट के अंदर किया जाता है जो कि जो बोन होती है वो इन्फेक्टेड होती है, मतलब इन्फेक्शन के कारण जो जॉइंट के अंदर डैमेज हुआ है उसके लिए। द लेटर इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। तो कुछ टाइम बाद इसको रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी कहा गया है, क्योंकि अपन यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जॉइंट का। एंड इज डन फॉर मोस्ट अदर डैमेज एंड डिफॉर्म्ड जॉइंट के लिए अपन इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्लान ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिफॉर्म्ड जॉइंट, कि जो भी डिफॉर्म्ड जॉइंट है जो कि डिफॉर्मिटी हुई है उसका उसका जो मैनेजमेंट है ना उसके बारे में अपन प्लान कैसे करेंगे, कि अपन को किस जगह पे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, किस जगह पे अपन को ऑपरेशन करना है, किस जगह नहीं करना, उस सब के बारे में अपन एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है द डिफॉर्म्ड जॉइंट। तो अपन को सबसे पहले डिफॉर्म्ड जॉइंट देखने को मिला, अपन ने उसका एक्सरे करवाया। तो एक्सरे करवाने के बाद अपन को दो चीज़ें देखने को मिल सकती है, नो बोन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद जो बोन चेंजेस है वो अपन को देखने को मिल सकते हैं, मतलब वो वहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज़ सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रेक्चर और डिफॉर्म्ड एंड डैमेज जॉइंट इज द कॉज, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी अपन को दो चीज़ें देखने को मिल सकती है, मतलब अपन इसका दो तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है नॉन ऑपरेटिव मेथड के साथ और एक है ऑपरेटिव मेथड के साथ, जो कि अपन ने भी यहाँ पर पढ़े थे। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड के अंदर क्या होगा ना, जो करेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, मतलब उसका जो करेक्शन अपन कर रहे हो सक्सेसफुली हो गया। और एक होगा जिसके अंदर नहीं हो पाएगा, नॉट अचीव करेक्शन। तो अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके लिए अपन यहाँ पर स्प्रिंट्स का यूज़ करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे उस पार्ट को। तो स्प्रिंट्स लगाने के बाद यहाँ पे पोजिशन मैनी मेंटेन हो जाएगी। तो या तो स्प्लेन लगाने के बाद जो चीज़ है वो सही हो जाएगी, मतलब वो मेंटेन हो जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर मेंटेन हो जाती है तो गुड लक है, अच्छा है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। अगर नहीं हो पाएगी तो क्या, तो अपन नहीं हो पाएगी तो सर्जरी करेंगे, और करेक्शन अगर सही से नहीं होता तो उसके बाद भी सर्जरी की जाएगी। और ऑपरेशन के अंदर तो फिर अपन सर्जरी करते ही है, ऑपरेशन का तो मतलब यही होता है। फिर उसके बाद यहाँ आता है बोनी चेंजेस प्रेजेंट। अगर बोनी चेंजेस प्रेजेंट है, डिफॉर्म्ड और डैमेज जॉइंट इज द कॉज, ये इसका कॉज है। तो यहाँ पर क्या है ना, जॉइंट स्पेस ओके, जॉइंट डैमेज एंड डिफॉर्म्ड अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है ना, द डिफॉर्मिटी इज आउटसाइड द जॉइंट, अगर डिफॉर्मिटी जॉइंट के आउटसाइड है तो अपन को यहाँ पर क्या करना होगा ट्रीटमेंट के लिए, करेक्टिव ऑस्टियोटोमी करना पड़ेगा, सिलेक्टिव रिडाटेशन करने पड़ेंगे, एंड एलिजारो जो टेक्निक होती है उसका यूज़ करेंगे। और अगर जॉइंट डैमेज एंड डिफॉर्म्ड है तो उसके लिए अपन यहाँ पे आर्थोप्लास्टी करेंगे, आर्थोडेसिस करेंगे, जो कि अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर भी अपन रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी कर सकते हैं, या फिर रिसेक्शन आर्थोप्लास्टी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन इसका पूरा प्लान कर सकते हैं कि अपन को किस तरह से जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट देना है। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे डिफॉर्मिटीज एंड इसके जो मैनेजमेंट है वो सब, डिफॉर्मिटी एंड देयर मैनेजमेंट। तो अपने डिफॉर्मिटी पढ़ ली कि डिफॉर्मिटी क्या होती है। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है बोन जॉइंट एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज है इसके अंदर अगर किसी भी तरह की अबनॉर्मिलिटीज हो जाती है, तो जिस कारण से अपन को ये देखने को मिलती है डिसेबिलिटी, कि इसका कॉज है।
तो ये दो तरीके का हो सकता है, कंजेनाइटल एक्वायर्ड। कंजेनाइटल अपन ने पढ़ा, कंजेनाइटल क्या होता है, जो कि बच्चा अपने जन्म से ही जो डिफॉर्मिटी वो लेके आता है, जैसे कि क्लब फुट वगैरह, स्पाइना बाइफिडा आपको कुछ सालों बाद देखने को मिलता है, कुछ महीनों बाद देखने को मिलता है। एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी जो कि पेशेंट है, जो पर्सन होते हैं वो एक्वायर्ड करते हैं अपने कारणों के कारण। तो यहाँ पर एक किस तरह से होता है, डिफॉर्मिटी अराइजिंग एट द जॉइंट और डिफॉर्मिटी अराइजिंग इन अ बोन, जॉइंट के अंदर और बोन के अंदर किस किस तरह से अपन को देखने को मिलती है। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया, उसके बाद अपन इसका मैनेजमेंट देखा ऑपरेटिव तरीके से एंड नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के साथ। उसके बाद अपन इसका प्लान किया कि इसके मैनेजमेंट अपन किस तरह से करेंगे, इसका पूरा प्लानिंग देखी अपन ने। तो ये था डिफॉर्मिटी एंड दिस मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।